और बढ़िए के साथ मिलाएं। तो आज इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। सच्चे में आप लोगों नीचे एक कॉलम पर हुआ नजर आ रहा होगा, हर्फ अलिफ वाव छोटी ए ई। अब हमें हर्फ को इन अलिफ वाव छोटी ए और बढ़िए के साथ हमें मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे मैं आप लोगों को आज इसे बताऊंगी। पहले तो हमने एक हर्फ लिखा अलिफ, अलिफ पहले हमारा हर्फ आता है ना, हमने पहले अलिफ हर्फ लिखा। अब अलिफ को अलिफ से तो नहीं बना सकते, तो अलिफ को हम मिलाएंगे वाव से। तो अलिफ वाव ओ, ठीक है क्लास, अलिफ वाव ओ हो गया। फिर अलिफ को मिलाएंगे छोटी ए से, अलिफ छोटी ए ई और अलिफ छोटी ए ए। अलिफ का अलिफ से नहीं होता तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। ये हमारा फर्स्ट हो गया अलिफ को, अलिफ वाव ओ, अलिफ छोटी ए ई, अलिफ बड़ी ए ए, ठीक है अलिफ का हो गया। अब आएंगे दूसरे में, दूसरा हमारा हर्फ क्या होता है, बे। बे को हम करेंगे, ठीक है क्लास, बे को हम करेंगे कैसे, बे अलिफ डबल वाव, बे वाव ओ, बे छोटी ए बी, बे बढ़िए बे। ये हमारा बा बो बी बे हो गया। ये हमारा दूसरा हो गया। इसके बाद हम तीसरा लिखेंगे और पे, पे का पे वा बो, पे छुटिए पी और पे बढ़िए पे। हमारा तीसरा हर्फ हो गया। फिर इसके बाद चौथा हर्फ है क्या है हमारा, ते, ते डबल ता, ते वा तो, ते छोटी है ती, ते बड़ी है ते, ठीक है। हमारा पांचवा आएगा हर्फ टे, टे अलिफ डबल ता, टे वाव तो, टे छोटी ए टी, टे बड़ी ए टे। फिर हमारा आएगा से, से वासो, से छोटी ए सी, से बड़ी ए से। फिर अब हमारा लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड पे हमारा जी, जी वाली खबर था, जी बाजू, जीम छोटी है जी और जीम बड़ी है जे। तो क्लास हर्फ को हमने अलिफ वाव ई और ए से मिला लिया है। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं अलिफ को अलिफ से नहीं मिला सकते, हमने अलिफ को वाव छोटी है बड़ी ए से मिलाया। बे को हमने अलिफ वाव छोटी है बड़ी ए से मिलाया। पे को हमने अलिफ वाव छोटी है बड़ी ए से मिलाया। ते को हमने अलिफ वाव छोटी है बड़ी ए से मिलाया। टे को हमने अलिफ वाव छोटी है बड़ी ए से मिलाया। से को भी हमने अलिफ वाव छोटी है बड़ी ए से मिलाया। और लास्ट में हमने जीम को भी अलिफ वाव छोटी है और बड़ी ए से मिलाया। अलिफ का ओ ई ए, बे का बा हो बी बे, पे का पा हो पी पे, ता तो टी ते, टी का टा तो टी ते, से का सा सो सी से, जीम का जा जो जी जे, ठीक है क्लास। सो क्लास आपका ये क्लास वर्क है, अच्छे से देखिए इसको, अच्छे से साफ सुथरी राइटिंग में इसको करिएगा। होमवर्क भी आप लोगों का यही है क्लास वर्क में, आप क्लास वर्क का आप लोग ये फेयर कॉपी स्कूल में उतारिएगा। फिर नेक्स्ट पेज में यही आप लोग का होमवर्क है, इसको अच्छे से करिएगा, उतारिएगा, पढ़ा
पढ़ पढ़ के करिएगा। फिर बुक पे आते हैं, आप लोग का बुक वर्क भी आज होमवर्क है। बुक वर्क आप लोगों ने पेज नंबर ओपन करना है 63 इन अंदर आ रहे हैं 63 आप लोगों ने पेज नंबर ओपन करना है। फिर इसके बाद आप लोग को यहाँ पे कुछ बना हुआ नज़र आ रहा है, तोए और तोता। तो कैसे पढ़ना है आपको मैं बता देती हूँ। तोए के ऊपर आप लोगों ने तोए को ट्रेस करना है, कैसे मिलाना है इसको, और तोए से तोता, तेवा तो तोए अलिफ जबरता तोता, तेवा तो तोए अलिफ जबरता तोता, तोए से तोता आता है, इसको आपने पढ़ना है। और नीचे आप लोगों को तोए बना हुआ नज़र आ रहा है क्लास, तोए, ठीक है। तोए को आप लोगों ने इसके ऊपर लाइन फेरनी है अच्छे से, पहले इसके ऊपर लाइन फेरनी है। फिर नीचे आपको दो कॉलम नज़र आ रहे हैं लाइन बने हुए, ये इसको भी, इसको आप लोगों ने खुद बनाना है, मैं बना के दिखा रही हूँ कैसे बनाना है इसको। तोए और यहीं से मिला के यू, ठीक है, तोए बन गया। आप लोग का ये होमवर्क है, फिर पेज नंबर ओपन करेंगे 64 में आप लोगों का क्या काम है, 64 में आप लोगों का काम है जोए, तोए हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे जोए। जोए से, जोए के ऊपर भी आप लोगों ने लाइन फेरनी है ऐसे करके, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जोए पे लाइन फेरनी, फिर इसके बाद जोए से आते हैं जुर्ग। जुर्ग मतलब सारी चीज़ें, चीज़ें नज़र आ रही है ना आप लोगों को क्लास, जोए से जुर्ग, जे वो सॉरी जोए रे वाव फे जुर्ग, जोए रे वाव फे जुर्ग, जुर्फ का मतलब ये सारी चीज़ें। लाइन फेरनी है इसके बाद, फिर आप लोगों को नीचे वही जोए बना हुआ लिखा हुआ है, इसके नीचे आप लोगों ने ट्रेसिंग के ऊपर लाइन फेरनी है सब में, दो कॉलम में। फिर नीचे वही तोए की तरह नीचे दो कॉलम आप लोगों ने खुद बनाने, कैसे देखें। वही तोए की तरह आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया इसका, और इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दिया, तो ये जोए बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम आएंगे ओरल पे, ओरल है आप लोगों का याद करना है इसे, हु इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम, हु इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, अल्लाह का आखिरी नबी कौन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द मुस्लिम से व्हेन ही मीट अनदर मुस्लिम, जब मुसलमान आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो मुसलमान क्या कहते हैं, ही सेज अस्सलाम वालेकुम, वो लोग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। हु इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट डज द मुस्लिम से व्हेन ही मीट अनदर मुस्लिम, ही सेज अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास आप लोग